और तू ये कहता है तू सही नहीं है, तू असली बाप का बेटा नहीं है, तेरा खानदान जो है वो सही नहीं है कि तू ऐसे फालतू बात करता है। महिला देखता हूं कि ये फालतू फालतू ये घर का आवारा ये गाली दे करके तू आगे बढ़ेगा। हा? तेरा माँ बहन गाली देने से तेरा ख्याल बढ़ता है, तू तो महा निचला आदमी है। एकजुट रहेंगे तो फिर दूसर केहू से ना हमने की कहिए कि हमारे भाषा के बारे में बोला लाओ, तो वहाँ आदमी सीना अड़का के बोलेगा किसका हिम्मत हुआ क्या करने का या क्या बोलने का या हमारे भोजपुरी पे उंगली उठाने का। तो जब हमने के अपने इंडस्ट्री में बानी जाए और अपने ही इंडस्ट्री में हम लोग उंगली उठाएंगे तो कहाँ से विकास करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग ऐसा माहौल बनाएं, हम लोग ऐसा ये करें कि हम सब परिवार एक रहें, हम सब मिल के एकदम खुश रहें, जीवन का आनंद उठाएं, ताकि हमारे भोजपुरी के लिए कोई और टिप्पणी नहीं कर पाए और कोई कर भी दे तो हम लोग वहाँ खड़े हों बोलने के लिए कि हाँ जी आपने बोल कैसे दिया, भोजपुरी मेरी माँ है। और अपने परिवार में ही हंसी मजाक चली तो ये अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा। आज भी एक जाना कि हम गाना सुननी है, अब क्यों हमरो ऊपर गाना गौले बा। अच्छा बेटा, मान लो तुहार पवन सिंह के गाड़ी दे के तुहार अगर मन में खुशी होता और तोहके गुदगुदी आवता कि आ हमने आज तू तीर मार दिया पवन सिंह को गाली दे के, ठीक है बेटा तो आप खुश रहो, गाली दे खुश रहो, लेकिन ये सही नहीं है। इसके पहले हम यूपी में भी लाइव आए थे तो बोले थे कि बेटा कुरेदा जा मत, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया फिर चुप हो गया तो मैं डर गया, मैं डरता नहीं हूँ, बोला ना। ऊपर वाले माता पिता गुरु और हमारा ऑडियंस, बाकी किसी की ताकत नहीं है जो पवन सिंह को डरा दे। हाँ ये नहीं है कि मैं कुछ और सिर्फ कलाकार ही हूँ, लेकिन हाँ मेरे गुरु जो हैं हमारे अजीत सिंह जी चाचा हमारे, वो सिखाए हैं कि बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं लेकिन स्वाभिमान होना भी बहुत ज़रूरी होता है और स्वाभिमान हर इंसान में होना ही चाहिए। तो प्लीज अपने समाज में अपने परिवार में एकता रखा जा, हमसे गलती हो के हमके डांटा जा, क्योंकि आप लोग भगवान हैं। आप लोग ऐसा माहौल रखिए कि हम सब मिलजुल के रहें, हंस खेल के रहें और खुशियां मनाते रहें। आप लोगों ने ही सिंगर से एक्टर बना दिया, तो आज मान लीजिए कॉमेडी सॉन्ग आया है, कल सॉन्ग जो आएगा परसों वो आप लोगों को हो सकता है कि वो गाना देख के आप लोगों का आँख भर जाए।